नमस्कार दोस्तों, आज हम निकले हैं एक हिडन जेम को ढूंढने, एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ओ सॉरी सॉरी दोस्तों, ये रास्ता तो भूल गए, वापस चलते हैं। तो ये हम आ गए सही रास्ते पे, जो जाता है उस हिडन जेम की तरफ। आज जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है पानी टॉप लेक। रास्ते में आपको दिखेंगे जंगल, पहाड़ और उबड़ खाबड़ सड़कें। ऑफ रोडिंग के हिसाब से ये जगह आपको बेहद पसंद आने वाली है। और अगर बात करें इसके आसपास की नेचुरल ब्यूटी की, तो बेहद सुंदर है ये। आप देखिए इस तरफ देखिए, और बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं पानी टॉप लेक। ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये झील, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये झील आपके दिल्ली NCR में ही कहीं है। पानी की गहराई लगभग 10 फुट होगी, लेकिन ज़रा भी धुंधलापन पानी में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। मन को एकदम शांत, खुश और तरोताज़ा कर देने वाली साफ हवा, क्रिस्टल क्लियर पानी, और जहाँ भी आप देखो चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, ये देखो, और उन पहाड़ियों के पीछे छुपते सूरज की ये किरणें यहाँ बिताए एक एक पल को सोने की तरह बेहद कीमती बनाती जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है आपको। तो अगर आप फरीदाबाद या गुड़गांव या फिर दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपको सोना रोड पर आना होगा। टोल गेट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे गांव है सिरोही, और उस गांव के अंदर बस एक किलोमीटर आते ही आपको एक लेक दिखाई दे जाएगी, ये है पानी टॉप लेक। देखिए एक दिन की फैमिली डे आउटिंग के हिसाब से ये एक परफेक्ट जगह है। कोशिश ये रखें कि आप यहाँ सिर्फ डे लाइट तक ही रहें। वैसे अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में ऐसी बहुत सारी लेक्स छोटी छोटी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ भारद्वाज लेक की, तो वो भी फरीदाबाद में ही है। और एक बहुत पुरानी लेक जो कि बहुत मशहूर है और बहुत सारी फिल्मों में आप उसको देख चुके होंगे, बहुत सारी शूटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत सुंदर थी, बड़कल झील की बात कर रहा हूँ मैं। बड़कल झील आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म है। एक वक्त ऐसा भी देखा है बड़कल झील ने कि जब शहर तो क्या बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आते थे। बात करें अगर बॉलीवुड की पिक्चरों की, तो बहुत सारी बॉलीवुड की पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पे हुई हुई है। लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार की जो अनदेखी हुई है पर्यटन की तरफ, उसकी वजह से ये झील आज अपने एकदम अंतिम चरण में है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। मैं अभी इस लेक से पहले वहीं पे घूम के आया हूँ, और मैंने देखा वहाँ पे जिस जगह पे हम लोग कभी अपने बचपन में बोटिंग किया करते, जगह पे बच्चे आज क्रिकेट खेल रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसी जो भी जगह हैं उन जगहों को ढूंढे, उन्हें पर्यटन के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में डेवलप करें। और साथ ही साथ हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ऐसी प्राकृतिक उपहारों की तरफ ध्यान दें, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। थैंक यू सो मच, मेरा नाम है शुभम। आते हैं फिर किसी नई अनदेखी अनसुनी जगह के साथ में। अगर आप इस जगह के बारे में पहले से जानते थे या यहाँ पे आ चुके हैं, तो कमेंट्स में हमें लिखिए। और अगर आप भी ऐसे किसी जगह के बारे में जानते हैं, तो हमें लिख भेजिए travelkhabrilive@gmail.com पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और मज़े लीजिए ऐसे खूबसूरत नज़ारों का, एक नई जगह नई डेस्टिनेशन के साथ में। और अब वक्त हो गया है वापस जाने का दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।